हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन? बिफोर वी आर स्टडी अबाउट द सॉल्यूशन, वी आर डिस्कस अबाउट द मिक्सचर मीन्स व्हाट। इन प्रीवियस क्लास वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। ओके, तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है तो हम देखेंगे। व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर। जब आप दो या तीन या चार सब्सटेंसेस और कंपोनेंट अगर कंबाइन कर देते हो तो वहां पर मिक्सचर फॉर्म हो जाता है, दैट इज द मिक्सचर। नाउ मिक्सचर मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो एक्चुअली हम यहां पर होमोजीनियस मिक्सचर किस तरह से डिफाइन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। होमोजीनियस मिक्सचर मींस अ मिक्सचर इन व्हिच डिफरेंट कंपोनेंट मिक्स थ्रू आउट द मिक्सचर इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। ध्यान दीजिएगा, अ मिक्सचर इन व्हिच द डिफरेंट कंपोनेंट आर मिक्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि अलग अलग कंपोनेंट अगर यहां पर दिए जाते हैं तो ये अलग अलग कंपोनेंट एक सिंगल फॉर्म में वो बना देते हैं, सिंगल फॉर्म में वो मिक्सचर फॉर्म हो जाता है, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साल्ट प्लस वाटर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये शुगर प्लस वाटर बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि जब आप शुगर पानी में मिक्स कर देते हो तो यहां पर होमोजीनियस मिक्सचर आपको मिल जाता है। यानी कि जब आप शुगर ले लो या साल्ट ले लो, जब आप साल्ट पानी में मिक्स कर देते हो तो आपको साल्ट दिख जाता है? नहीं, क्योंकि ये साल्ट जो होता है वो पानी में मिक्स हो जाता है। यानी कि साल्ट मिक्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर, दैट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये साल्टी वाटर आपको मिल जाता है। सिमिलरली शुगर, जब आप शुगर पानी में मिक्स कर देते हो तो आपको क्या होता है, वो शुगर जो होता है, वो जो सॉल्यूशन होता है वो पूरा सॉल्यूशन मीठा लग जाता है। यानी कि जब आप यहां से अगर ये अगर थोड़ा थोड़ा आप चार सेक्शन में उसे डिवाइड करते हो, ये समझो ये 100 ml सॉल्यूशन है। बच्चों कितना है, 100 ml है, और इसे हम अगर चार ग्लास में उसे अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ये चार ही ग्लास में जो हम सॉल्यूशन लेते हैं या मिक्सचर लेते हैं उसकी जो टेस्ट होती है वो सेम होती है, क्योंकि शुगर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर विच इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, तो दूसरे वाला जो मिक्सचर है वो है तो ये होमोजीनियस मिक्सचर में हम क्या देखेंगे, तो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज। यानी कि ये देखो बच्चों, हमें अभी अभी देखा है कि इस मिक्सचर में साल्ट और वाटर मिक्स करने के बाद हमें होमोजीनियस मिक्सचर मिल रहा है, साल्ट सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इसका मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, ओनली वन लेयर, दैट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, नाउ सेकंड वन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बच्चों हेट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। तो अ मिक्सचर इन व्हिच डिफरेंट कंपोनेंट आर मिक्स
are not mixed uniformly throughout the mixture is known as heterogeneous mixture. उसे हम क्या कहते हैं? Heterogeneous. बच्चों ध्यान दीजिएगा, heterogeneous यानी कि ये different component है. हम salt plus sugar का example देते हैं, oil plus water ये दो example है जो इस heterogeneous के बनते हैं. यानी कि अभी जब हम ये दो component यहाँ पर mix करेंगे, oil और water, बच्चों oil water में mix नहीं हो पाता. अगर oil in water लेते हैं तो oil की layer इस water की layer के ऊपर वहां पर आपको दिख जाती है. यानी कि ये ऑयल का लेयर हो गया जो हमने पिंक कलर का दिया है, और ये वाटर का लेयर है. यानी कि इसमें दो लेयर है, एक लेयर ऑयल की है और दूसरी वाटर की है. इसका मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेयर और फेजेस, दैट इज द हेटरोजीनियस. यानी कि ये ऑयल और वाटर जब हम मिक्स करते हैं तो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाते, उसे हम कहते हैं हेटरोजीनियस. इज इट क्लियर बच्चों? ध्यान दीजिएगा. तो हेटरोजीनियस. दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम साल्ट और शुगर लेते हैं बच्चों. तो ध्यान दीजिएगा, हम दोनों मिक्स कर रहे हैं. अभी देखो ये आपके सामने एक एग्जांपल, ए डेली का हम उसे यूज करते हैं साल्ट और शुगर को. बच्चों साल्ट और शुगर हम दोनों हाथ में लेते हैं और साल्ट और शुगर दोनों मिक्स करते हैं. और मिक्स करने के बाद जब मैं यहाँ पर उस मिक्सचर में का थोड़ा सा ले लेता हूँ तो उसमें शुगर पार्टिकल और साल्ट पार्टिकल, यानी कि शुगर और साल्ट, ये दोनों इक्वली मिक्स नहीं हो पाते. कभी शुगर के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं तो कभी साल्ट के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं. इसका मतलब है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. यानी कि हमें क्या बताना है कि अ मिक्सचर इन विच टू और अ मिक्सचर इन विच द डिफरेंट कंपोनेंट आर नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली throughout the mixture is known as heterogeneous mixture. तो बच्चों ये दो mixture के बारे में हमने देखा है. Is it clear? Okay. तो आगे हम देखते हैं. तो बच्चों कि solution consist at least two component. One is the medium and other is the phase. अभी medium को हम क्या कहेंगे? Medium को हम कहते हैं solvent. और ये जो दूसरा कंपोनेंट है, जो फेज है, उसे हम कहते हैं सोल्यूट. तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अ सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू कंपोनेंट. सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन. उसे हम बाइनरी करते हैं, कहते हैं. यानी कि उसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो एग्जांपल क्या है बच्चों? तो हम किसी भी एग्जांपल के बारे में अगर यहाँ पर बाइनरी का ही करते हैं तो ये लेते हैं साल्ट प्लस वाटर. अभी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताओगे कि साल्ट जब पानी में मिक्स हो जाता है तो बाइनरी सोल्यूशन फॉर्म होता है. क्योंकि बच्चों इसमें जो है दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज द साल्ट एंड अदर इज द वाटर. ये दोनों कंपोनेंट मिक्स होने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं. यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म होने के लिए होमोजीनियस मिक्सचर की जरूरत है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए. ओके, तो ये साल्ट प्लस वाटर जब मिक्स होता है, होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है, उसी को ही हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं. ओके, जब सिमिलरली इट इज कॉल्ड टर्नरी एंड क्वार्टरनरी सॉल्यूशन इफ इट कंसिस्ट ऑफ 3 and 4 कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली. यानी कि जब इसमें बच्चों ये सॉल्यूशन है, जब 3 कंपोनेंट लेते हो, शुगर प्लस साल्ट प्लस वाटर, जब ये मिक्स हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर वहां पर फॉर्म होता है, तो उसे हम कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन. एंड उसी तरह जब ये साल्ट, शुगर, यूरिया एंड वाटर जब मिक्स हो जाता है तो उसे हम कहते हैं क्वार्टरनरी सॉल्यूशन. क्वार्टरनरी यानी कि इस सॉल्यूशन में
चार कंपोनेंट है, इस सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट है, यानी कि सॉल्यूशन बनने के लिए हमें एटलीस्ट दो कंपोनेंट की जरूरत होती है जिसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, और ये बच्चों, और एक बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि ये सॉल्यूशन बनाने के लिए इंटरमोलिकुलर बनने के लिए इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन ये जो फैक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये शुगर और वाटर में अगर इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन नहीं हो पाता तो सॉल्यूशन नहीं बन पाता, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये डिस्कस करेंगे हम अगले टॉपिक में। तो ये बन गया क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। इसके बाद तो हम ये जो बता रहे हैं क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, तो व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन द सर्टन लिमिट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अभी बच्चों एग्जांपल देख लीजिएगा, ये सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का एग्जांपल है। अभी ये 5 ग्राम मैं सोडियम क्लोराइड ले लेता हूँ और 100 ग्राम वाटर ले लेता हूँ। अभी 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर देन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो ये बन गया होमोजीनियस मिक्सचर और उसी को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। अभी समझो बच्चों, मैं यहाँ पर 5 ग्राम की जगह पर अगर मैं यहाँ पर अगर 200 ग्राम सोडियम क्लोराइड ले लेता हूँ या 500 ग्राम सोडियम क्लोराइड ले लेता हूँ और वो 100 ग्राम में डिजॉल्व करता हूँ तो वहाँ पर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म नहीं होता, क्लियर सॉल्यूशन नहीं फॉर्म होता। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्लियर यानी कि सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रू सॉल्यूशन उसे ही हम कहते हैं। तो ये यहाँ पर हमें बताना है। तो हम ये 5 ग्राम ये यानी कि इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट है, एक जो है सोडियम क्लोराइड जिसे हम सोल्यूट कहते हैं और दूसरा जो है जो वाटर जिसे हम सॉल्वेंट यानी कि मीडियम कहते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो यहां पर बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों? इसमें सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट। और वाटर को हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। क्यों बच्चों? ध्यान दीजिएगा, इसी को ही हम सॉल्यूट क्यों कहते हैं और इसी वाटर को ही हम सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? तो अकॉर्डिंग तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो सॉल्यूट हम किसे कहते हैं? अ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट देन अदर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूट, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। और दूसरी जो बात है हम सॉल्वेंट के बारे में जिसे हम मीडियम कहते हैं, अ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच आर प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट देन अदर कंपाउंड इज नोन एज सॉल्वेंट। यानी कि तो इस एग्जांपल में हमने अभी देखा है ये 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और 100 ग्राम वाटर है, तो ये सोडियम क्लोराइड को हम सॉल्यूट कहते हैं और वाटर को हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये है हमारा सॉल्यूशन।